गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन दैट इज चैप्टर टू येस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट स्किप काउंटिंग बाय टू एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डबल्स मल्टीप्लीकेशन सो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल हियर एनी नंबर वी राइट फॉर टू टाइम्स फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 ठीक है इट कैन We can say that it is 4, ठीक है, but if we have to multiply, for example, suppose that 5 + 5 = 10, 6 + 6 = 12, and 7 + 7 = 14, but if we write it in the way of multiplication, in the type of multiplication, तो हाउ यू विल राइट ठीक है कैसे अगर आप इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखना चाहेंगे इन द सेम वे तो हाउ यू विल राइट लेकिन कुछ नहीं करना है 2 + 2 = 4 है यानी 2 × 2 कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4 5 + 5 कितना है 10 है यानी 2 × 5 है ना यानी 5 × 2 = 10 यानी 6 + 6 यानी 6 × 2 = 12, 7 + 7 = 7 × 2 = 14 ठीक है देखिए क्या था यहाँ पे 2 + 2 = 4 था यहाँ 2 × 2 क्या है 4 है 5 + 5 क्या देखिए डबल था कि नहीं कोई भी नंबर व्हेन वी विल डबल इट तो क्या करेंगे हम उसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट खुद देखिए नंबर ये डबल था यानी डबल का मतलब दो बार इसको हमने क्या किया डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सेम रिजल्ट देती जो यहाँ पे मिल रहा था वो यहाँ मिल गया कोई भी और एक नंबर आप लेना चाहें या 3 + 3 देखिए कितना होगा 6 यहाँ 3 × 2 = 6 ठीक है तो ये थे आपके क्या डबल्स ठीक है इनमें नंबर्स को आप क्या करना है डायरेक्टली डबल्स आप ऐसे करके पढ़ लेंगे ठीक है चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मल्टीप्लाइंग बाय 5 ठीक है मल्टीप्लाइंग बाय 5 ठीक है मल्टीप्लाइंग बाय 5 तो कोई भी नंबर है सपोज इट 5 का आप सबसे पहले टेबल याद करिए 5 का टेबल क्या होता है 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 10, 5 × 2 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 30, 5 × 7 = 30, 5 × 8 = 40 and so on ठीक है तो ये तो हो गया आपके 5 के टेबल चलिए पूरा लिख देते हैं 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50 ठीक है ये रहा आपका 5 का टेबल तो मल्टीप्लाई बाय 5 कोई भी नंबर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो देखिए क्या करेंगे या तो इसको आप एक ऐसे समझ लीजिए ठीक है जैसे 5, 10, 15 या फिर डायरेक्ट हो जाएगा इसको हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ठीक है तो ये रहा आपका नंबर लाइन ठीक है अब इसमें क्या करना है अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इसमें मैं आपसे बोलूं कि आपको 5 का मल्टीप्लाई अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसके थ्रू आपको समझा सकता हूँ कैसे देखिए तो 5 × 5 कितना होता है 5 × 5 होता है ना यदि 5 × 5 = 5, 5 × 5 कितना होता है 10, 5 × 5 कितना होता है 15, 5 × 4 कितना होता है 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30,
5 से मिल जाए 35 और सो ऑन, थोड़ा सा आगे स्पेस कम है इसलिए 30 यही तक ही बना पाए। तो देखिए काउंटिंग अगर आप जब काउंट करेंगे नंबर लाइन पर 1 से नंबर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 यानी 5 मिला 5 5 2 लाइन 6 7 8 9 10 इसमें हम 5 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 5 2 का 10 10 में हमने 5 और ऐड किया यानी 11 12 13 14 15 तो हमें कितना ऑप्शन हुआ 15 यानी 5 3 का 15 इसी में हमने 5 और ऐड कर दिया यानी कितना हो गया 20 एंड सो ऑन। ठीक है तो इसी तरीके से क्या देखिए 5 में 5 ऐड किया 10 प्लस 5 ऐड किया 15 प्लस 5 ऐड किया 14 20 फिर 20 में 5 ऐड किया 25 25 में 5 ऐड किया 30 देखिए 30 में 5 ऐड किया देखिए 30 में मैंने क्या किया 5 ऐड किया ना 5 प्लस 0 5 यहां 3 देखिए 35 आया ना इसी तरीके से 35 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 0 3 प्लस 1 4 14 हुआ ना। तो क्या ये है आपका 5 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है इसके थ्रू एडिशन के थ्रू ठीक है एडिशन को हम शॉर्ट में करने के लिए क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैंने बताया था। ठीक है तो इसी तरीके से है इसमें आप कुछ क्वेश्चन देखिए आप बुक में दिए गए हैं ठीक है उनको करने की कोशिश करिए। जैसे एनी नंबर यहाँ पे सपोज देखिए नंबर दिया गया ठीक है तो आपसे पूछा क्या गया देखिए जंप ऑफ 5 स्टेप ईच ठीक है यानी एक नंबर लाइन हमको बना दी गई है ठीक है उसमें नंबर लाइन पे कितना लिख दिया गया है 0 5 10 15 20 25 35 ठीक है मान लीजिए 50 तक लिखा गया है मैं यहाँ पे केवल आपको 35 पे लिखता हूँ तो मैं इसमें अगर आपसे कहूँ कि जंप 5 स्टेप इसमें आपको मैं कहूँ कि जंप 5 स्टेप ईच ठीक है व्हेन यू जंप 5 स्टेप ऑफ ईच तो व्हाट यू विल गेट यहाँ पे 5 है ठीक है 5 है अगर आप इसका 5 स्टेप अगर आप जंप करेंगे 1 2 3 4 5 तो इसका 5 स्टेप आप जंप करेंगे 5 5 25 है ना देखिए 5 स्टेप आप जंप की कहाँ गए 25 पे गए ठीक है इसको आप लिख लीजिए कॉपी में ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है एक नंबर लाइन बनी गई है ठीक है इसमें आपको 0 टू 50 नंबर्स दिए गए हैं व्हाट क्वेश्चन इज से 9 जंप्स ऑफ 5 ईच ठीक है मींस 9 जंप्स आपको करनी है किसकी 5 की करनी है ठीक है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां पे आप आ रहे हैं 9 जंप पे 45 यानी 9 into 5 = 45 आपका आज का होमवर्क है प्लीज इसको कंप्लीट करिएगा एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम ठीक है आज के लिए इतना है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू हैव अ नाइस डे।